बनासकांठामां 11,000 करता वधु हेक्टरमां वावेतर थयुं। जेमां 3,000 हेक्टरमां दाडमनी बागायती खेती थई। लाखणी दाडमनुं हब गणाय, पण आ वर्षे दाडममां फायतोपथरा अने प्लग नामनो रोग आवता दाडम बेसता नथी। कोरोना काळमां दवाओ लावी शके एवी परिस्थिति नथी। अन्य वर्षनी सरखामणीमां भाव ओछा मळी रह्या छे, परिणामे दाडमनी खेती हवे मुसीबत बनी। सतत वरसादे दाडमनी दवा करी नाखी, नुकसान खेडूतना लमणे लखायुं छे। छेवटी लाखणीना केटलाक खेडूतोए दाडमनी खेती तरफथी मोह फेरवी नाखी दाडमना छोड़ निकाळवानी शरूआत करी। आवी परिस्थिति रही छे तो लाखणी दाडम हबनी ओळख जता वार नहीं लागे। 2015 માં દાડમના કિલોએ 65-80 નો ભાવ હતો, અત્યારે 20-30 રૂપિયા છે। લાખણી તાલુકામાં 60% વાવેતર દાડમનું છે। ત્યારે કપરી પરિસ્થિતિ આવી પડતા લાખણીમાં દાડમની ખેતી કરતા ખેડૂતોનો દમ નીકળી ગયો છે, જેના કારણે દાડમની ખેતી ભૂતકાળ બને એવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે। ત્યારે જોવાનું રહ્યું કે દાડમનું હબ ક્યાં સુધી પોતાની ઓળખ લાખણી જાળવી રાખે છે, તે તો હવે જોવું જ રહ્યું। रमन परमार साथे बनासरत्न न्यूज बनासकांठा। हे परिस्थिति खूब ज गंभीर है। अत्यारे शुरुआत ना जे यारे 12मो ने 13मो 14-15 सुधी खूब सारा भाव मळ्या अने खूब ऊंची अपेक्षाओं ना कारणे पैसा पण कमाणा 15 सुधी अने एना कारणे वावेतर अढळक थई गयो एरिया में। अने 15 पछी वारंवार वरसाद ना लीधे अने एटला रोग आवे छे अने एटली मोघवारी बनी है दवा खातर नी के जेना लीधे अत्यारे वधारे वरसाद जारे जारे पड़े थे त्यारे खूब मोटा प्रमाण में नुकसान आई जतुं होय, पाक मळतो नथी। सरकार पण आमां कोई ध्यान के भाव में आपती नथी। धीरे धीरे भाव पण एटला नीचे गबड़ीने छेल्ला 4-5 वर्षथी जता रह्या है के खेडूतने कोई पण रीते पोसाय एवुं रह्युं ज नथी। कंटाळीने न छूटके जो सरकार आमां ध्यान नहीं आपे तो 100% आ एरियामां दाडम जोवा पण नहीं मळे, आवी परिस्थिति बनी शके छे।